है, वरना अगर आपने अपने आप करने की कोशिश की तो हो सकता है कि आप अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लो, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस टर्म का, किस कंडीशन का क्या फायदा या नुकसान आपको आगे वाले भविष्य में हो सकता है। और ये कार्य होगा मेरे एक क्लाइंट ने पिछले साल मई में मुझसे वार्तालाप की और उसने ये बताया कि उसका एक छोटा सा बच्चा है और उसके और उसकी पत्नी के बीच में आपस में बहुत परेशानी चल रही है, तो क्या किया जाए। उसको मई 2022 में मैंने ये एडवाइस दी थी कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है, जैसा कि वो बार बार कह रहा था कि उसको अपनी पत्नी के साथ ही रहना है जबकि उसकी पत्नी उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी, तो अगर ऐसी स्थिति है तो एक लीगल नोटिस दे दिया जाए ताकि उसको बुलाया जाए ऑन टेबल बातचीत करने के लिए और उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड कर लिया जाए। अगर साथ रहना है तो उसके बारे में भी बातचीत की जाए वकील के माध्यम से, और अगर उन्होंने अलग होना है जैसा उनकी पत्नी चाहती है तो वो भी किया जा सकता है वकील के माध्यम से। लेकिन उसके बाद उन्होंने न जाने मुझसे कितनी बार बातचीत कर ली, लेकिन हर बार उनकी तरफ से यही आता है कि उन्होंने एक आपस में बैठ करके मीटिंग की है और उस मीटिंग से उनको ये पूरी आशा है कि अब कुछ हल निकल के आ जाएगा, लेकिन आज भी हालात वही हैं, टस से मस नहीं हुए। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन सभी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि अगर आप पति और आप पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर के मनमुटाव हुआ है तो क्या ये मनमुटाव बिना वकील की सहायता के भी खत्म किया जा सकता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए होता क्या है, आप और आपके पत्नी के बीच में परेशानियां चल रही हैं। अगर ये परेशानियां, अगर ये डिस्प्यूट्स, अगर ये क्लैशेस आप दोनों के बीच में बातचीत होने से अगर संभव हो सकती होती तो अब तक ये पुलिस थाने, ये थाना कचहरी खत्म हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि अगर आप याद करने की कोशिश करें तो पहले ये फैमिली कोर्ट का कल्चर नहीं हुआ करता था, आपने फैमिली कोर्ट का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन आज हर एक कोर्ट में 3 से 4 कम से कम फैमिली कोर्ट अलग से बने हुए हैं। इसका क्या कारण है, क्या बिना वकील के दो पार्टी बीच में बैठ करके सुलह नहीं कर सकती, क्या दो पार्टी बिना कोर्ट में जाए सुलह नहीं कर सकती? इसका उत्तर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर देना चाहूंगी। आप पति हैं, आपकी कुछ फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, इसी तरह से दूसरी तरफ आपकी पत्नी है, उनकी भी कुछ फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, चाहे वो किसी की भी कमी की वजह से हुई हो, चाहे वो किसी की भी गलती की वजह से क्यों ना हुई हो, लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से हर्ट बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा आहत है उनकी भावनाएं। और अगर आप पति हैं और आपकी भावनाएं आहत हैं आपकी पत्नी से, तो अगर आप और आपकी पत्नी बैठेंगे बातचीत करने के लिए तो वो कहीं ना कहीं ऐसा कोई जुमला फेंक देंगी और उस जुमले से आपकी जो आहत भावनाएं हैं और ज्यादा घायल हो उठेंगी और रिजल्ट निकलेगा या तो लड़ाई या पुलिस में फोन या आप उठ करके वहां से चले जाओगे। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि भावनाएं जहां पर आहत है तो आप और आपकी पत्नी जब शादी के बाद एक साथ रहे थे तो कुछ समय आप लोगों ने अच्छा भी बिताया होगा और उसके बाद किसी भी वजह से जो मनमुटाव आया आप लोगों के बीच में, जो तकरार आई आप दोनों के बीच में और जो भावनाएं आहत हुई, तो अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कहेगा तो आपकी फीलिंग्स का हर्ट होना स्वाभाविक है। यहीं पर
ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर एक कुशल वकील की जरूरत आन पड़ती है। वो वकील, उसकी कोई फीलिंग्स इस केस से नहीं जुड़ी हुई हैं, बल्कि उन्होंने एक प्रैक्टिकली काम करना है। उन्होंने ये कोशिश करनी है कि आप दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हुए हैं वो किसी तरह से सुलझाए जा सके। जैसे अगर मैं अपना कहूं तो बीइंग मीडिएटर यानी मीडिएटर होने के नाते मेरा सबसे पहला प्रयास यही रहता है कि चाहे आप लोगों ने कितनी ही आपस में बातचीत पंचायतें क्यों ना कर ली हो, आपकी फैमिलीज क्यों ना बैठ गई हो और आपने ये कह दिया हो कि अब आपको तलाक चाहिए, लेकिन अगर हम शुरुआत करेंगे, जब हम लीगल नोटिस भेजा करते हैं दूसरे पक्ष को आकर के टेबल पे बैठ करके, समझौता टेबल पर बैठ करके बातों को विचार विमर्श करके हल करने के लिए, तो हमारा पहला प्रयास रहता है कि हम लड़की से ये पूछ लें, अगर मैं लड़के की तरफ से एक नोटिस भेज रही हूं तो मैं हमेशा ये कोशिश करूंगी कि एक बार लड़की के मन को खंगाल लूं और ये पूछ लूं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नाराजगी की वजह से पति को मना कर रही हो कि उन्होंने उनके साथ नहीं रहना, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में दबी हुई ये इच्छा हो कि किसी तरह से इनका पति इनको मना ले और इनका घर ठीक से चल जाए। आपको ये हैरानी हो रही होगी सुनकर के, क्योंकि आपके हिसाब से पत्नी ने सीएडब्ल्यू सेल में कंप्लेंट फाइल कर दी है या 125 का मुकदमा फाइल कर दिया है या घरेलू हिंसा का मुकदमा फाइल किया हुआ है, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं और जब हम बात करते हुए बात की खाल निकालते हैं, पर्ते उधेड़ते हैं, तो अंदर से पत्नी का एक आहत प्रश्न सामने आता है। मैडम, आप मेरे पति की वकील हैं, आप उन्हीं के पक्ष के बारे में सोचेंगी, लेकिन एक बात बताइए मैडम, मेरी कहां गलती है? मेरे और मेरे पति के बीच में कुछ तकरार हुई थी, मैंने उन्हें गुस्से में कुछ ज्यादा कह दिया, मैं मानती हूं मेरी गलती है, मैंने गुस्से में थोड़ा ज्यादा कह दिया, लेकिन मैडम जो मेरे पति ने मुझे पहले कहा था या मेरी सास ने कहा था या मेरे ससुर ने कहा था, क्या वो गलत नहीं था? अगर मैं नाराज होकर के मायके में चली गई थी तो क्या मेरे पति ने एक बार भी कोई SMS भेजा, कोई फोन किया, वो मुझे मनाने के लिए मेरे घर पे आए? अगर वो आ जाते तो आज ये नौबत ना आन पड़ती। जी हाँ, यही होता है फैमिली कोर्ट्स के अंदर, जब हम लीगल नोटिस डिस्पैच किया करते हैं और पत्नी को बुलाया करते हैं आपस में बैठ करके बातचीत करने के लिए, तो ये इस तरह की दबी हुई भावनाएं बहुत बार निकल के आती हैं। मान लेते हैं कि ये नहीं हो पाया, पत्नी ने भी कह दिया कि वो अपने पति से अब तलाक चाहती है और पति भी कहता है कि उसको तलाक चाहिए, तो इस समझौता टेबल पर अब हम बातचीत करेंगे कि अगर आपने तलाक लेना है तो वो किस तरह से लेना है, अगर आपने कोई पहले से केसेस फाइल किए हैं कोर्ट के अंदर तो वो कब कब कैसे कैसे ये वापस लेने हैं, अगर आपके दोनों के बीच में बच्चा है तो बच्चा किसके पास रहेगा और उस बच्चे का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, शादी वगैरह इत्यादि के बारे में क्या दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, अगर आप लोगों की कोई ज्वाइंट अकाउंट है तो उसका बंटवारा कैसे होना है, स्त्री धन का बंटवारा कैसे होना है, वो वापस जाना है या लड़के के पास रहना है, इसी तरह से एक परमानेंट एलिमनी के बारे में भी बात की जाती है कि वो परमानेंट एलिमनी कितनी होनी चाहिए, और अगर 498A की FIR दर्ज हो चुकी है, जैसा कि मैंने शुरुआत में जिस अपने क्लाइंट के बारे में बताया उनके केस में 498A 406 की FIR दर्ज है, तो वो FIR कभी भी वापस नहीं ली जा सकती, वो क्वैश होगी हाई कोर्ट में जाकर के। तो मान लेते हैं कि आपका सिर्फ एक ही यही केस है 498A का, और उसके बाद आप लोग आपसी सहमति के तलाक के लिए तैयार हो चुके हैं, तो जो भी आपकी आपस में रकम होगी, मान लेते हैं 15 लाख में आप दोनों ने सेटल कर लिया कि 15 लाख पति पत्नी को देगा और ये दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगे। फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन, जो कि आपसी सहमति के तलाक में लेने जरूरी होते हैं,
दो तो वो केसेस हो गए और तीसरा हो गया आपका क्वेशिंग, तो आप इस पैसे को भी तीन टुकड़ों में बांट दीजिए। जब क्वेशिंग होगी तो 5 लाख रुपया लड़की को दे दिया जाएगा, जब फर्स्ट मोशन होगी तो स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होगी कोर्ट के सामने तो 5 लाख रुपया दे दिया जाएगा, और आखिरी बचा हुआ 5 लाख रुपया उस समय दे दिया जाएगा जब सेकेंड मोशन की स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रिकॉर्ड हो रही होगी। और ये सारी चीजें संभव अगर हो सकती हैं तो किसी ना किसी वकील के माध्यम से, क्योंकि वकील की इमोशंस नहीं जुड़ी हुई हैं, उन्होंने सिर्फ इसको प्रैक्टिकली काम करने के ढंग से देखना है कि इन दोनों का किस तरह से रास्ता साफ किया जाए। अगर ये साथ रहना चाहते हैं तो उसके बारे में भी विचार किया जाए, अगर ये अलग होना चाहते हैं तो उसके बारे में भी वकील ही अपने दिमाग से सारी चीजों को करवा सकता है। वरना अगर आपने अपने आप करने की कोशिश की तो हो सकता है कि आप अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लो, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस टर्म का, किस कंडीशन का क्या फायदा या नुकसान आपको आगे वाले भविष्य में हो सकता है। और ये कार्य होगा किसी कुशल वकील के द्वारा एक लीगल नोटिस भेजने के बाद, ताकि आपका जो ये डिस्प्यूट फैला हुआ है जिसका कोई भी सिरा नजर नहीं आ रहा है, वो उस वकील अपने लीगल नोटिस के माध्यम से इसको सिरे तक पहुंचा सके। और एक बात आखिर में कहना चाहूंगी कि अगर ये जो आप दोनों का आपसी जो मन मुटाव था, ये अगर आप लोग संभाल ही पाते तो आपको कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी, आपको किसी वकील के पास जाने की क्या जरूरत थी, फिर तो आप खुद ही ना समझा पाते, खुद ही ना सुलटा लेते। तो यहां पर आप स्वयं को वकील ना बनने दें, खुद वकील ना बने, वरना हो सकता है कि आपका केस और ज्यादा बिगड़ जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर आप किसी भी वकील से कोई भी कंसल्टेशन ले रहे हैं और वो कंसल्टेशन मिलने के बाद अगर आप उस कंसल्टेशन को अपनी जिंदगी में नहीं लेकर के आ रहे हैं, यानी कि उसको कॉम्प्लाई नहीं कर रहे हैं, उस पर नहीं चल रहे हैं, फिर भी अगर आप अपना दिमाग लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि वो व्यक्ति जो कि कोर्ट के गलियारों में घूमता है, जिसको कानून की समझ है, कानून की परख है, वही आपको सही रास्ते पर लेकर के जा सकता है। अगर आप फिर भी अपना दिमाग लगाएंगे, वकील की गाइडेंस को साइड में करते हुए, उसको दरकिनार करते हुए, वकील पर अगर फेथ ना करके आप अपना ही दिमाग के अनुसार चलेंगे तो आपको पढ़ सकते हैं कभी भी लेने के देने। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।